हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नारायण। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.3, क्योंकि 7.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम 7.3 की बात करेंगे। 7.3 में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, दो ट्रायंगल है एबीसी ये पूरा एंड डीबीसी मतलब ये दो ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल कहा गया, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी आइसोसेलिस ट्रायंगल कहा गया है। ऑन द सेम बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, बीसी सेम है। ओके, फिर कहा गया है वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, जो वर्टिसेस ए और डी हैं वो बीसी के एक ही साइड में, सेम साइड में है। इफ ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी, यानी ए डी को इस तरह से बढ़ाया गया कि वो बीसी को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर, मतलब ए डी को बढ़ाया गया नीचे जिससे कि वो बीसी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बताया गया। सो दैट हमें प्रूफ क्या क्या करना है स्टूडेंट्स, में प्रूफ करना है कि एबीडी एंड एसीडी, एबीडी एंड एसीडी मतलब ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रेंस है, ये प्रूफ करना है। फिर दूसरी बात में प्रूफ करना है एबीपी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल ए सी पी के, इस पूरे ट्रायंगल के कांग्रेंस, ये प्रूफ करना है। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये जो एपी लाइन है वो एक एंगल को ए को बाइसेक्ट कर रहा है और उसी तरह से एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें थर्ड स्टेप में प्रूफ करना है। और फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, कि जो एपी है वो बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और साथ साथ यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये हमें फोर्थ वाले पार्ट में प्रूफ करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए जब भी कभी आप कोई सॉल्यूशंस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले तरीका जो होता है हमने बता दिया आपको, ट्रायंगल आप लगा रहे हैं कि जब लिखने का तरीका होता है, कोई भी आपको प्रूविंग होता है क्वेश्चन, तो आप उसको लिखने का तरीका सबसे पहले आप गिवन कि कौन कौन सी बातें दी गई हैं, आप उसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जो जो चीजें आप पे बताई गई हो उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ आपको ये चारों पार्ट को करने, इस वाले फॉर्मेट में आप लिख दीजिएगा इन चारों पार्ट को कि ये चीजें प्रूफ करनी है। ठीक, तो हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या प्रूफ करते हैं, एबीडी एंड एसीडी को कांग्रेंस। तो कहेंगे इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, इन दोनों ट्राइंगल में हम बात करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एबीडी मतलब इस वाले ट्राइंगल में एंड एसीडी मतलब इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो इस वाले ट्राइंगल का आपका ए बी इस वाले ट्राइंगल के ए सी के बराबर, ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलिस ट्राइंगल और ये साइड्स क्या है, इक्वल ट्राइंगल मतलब इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे आप गिवन भी लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है ट्राइंगल, इस वजह से ऐसा होगा। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट्स इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्राइंगल के इस वाले साइड के बराबर, यानी आप कहेंगे बीडी इक्वल टू सी डी, बीडी इक्वल टू सी डी, ये भी चीज क्या है, क्योंकि इस ट्राइंगल को बताया गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये आपस में क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो ये जब आइसोसेलिस है, यानी इसका ये साइड इस साइड की, यानी ये वाली ट्राइंगल बताएगी जो बीडीसी है, ये भी आइसोसेलिस है, तो इसका ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, किस वजह से ये भी है, तो इसको भी आप गिवन लिख सकते हैं कि ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें दोनों में कॉमन, इस दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल इस ट्रायंगल, तो इसका ये वाला पार्ट जो एडी है इस वाले ट्रायंगल में भी पड़ रहा है और एडी आपका इस वाले ट्रायंगल में भी पड़ रहा है, तो लिखेंगे एडी इक्वल टू एडी, एडी इक्वल टू एडी, ये क्यों, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन है। ओके, और इस तरह से आपके साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंस हो गए, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल एबीडी इज कांग्रेंस टू ट्रायंगल एसीडी के, कैसे, बाई साइड 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 क्राइटेरिया, आप रीजन दे देंगे। तो स्टूडेंट जब ये क्या हो गए, कांग्रेंस हो गए, तो बाई सी पी सी डी आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी के हो जाएगा, मतलब ये इतना एंगल इस ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल के इतने एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए डी, क्यों, बाई सीपीसीडी, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से हो गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कह देते हैं। इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ए डी बी
एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल आपका ए डी सी के, ए डी सी के, ए बी वाई बाई सी पी सी डी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह देते हैं। ओके, यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम कहेंगे सेकंड स्टेप में हम चलते हैं। सेकंड स्टेप को हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में हमें क्या प्रूव करना है कि इस पूरे ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल के हमें कांग्रुएंस दिखाना है। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल एबीपी, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। तो एबीपी एंड एसीपी में आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले, इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही स्टूडेंट्स, इस पूरे ट्रायंगल की और इस पूरे ट्रायंगल की। तो इस पूरे ट्रायंगल में एबी, AB इक्वल टू इस पूरे ट्रायंगल के AC के बराबर, AC के बराबर ये गिवन है कि आप यहां पे लिख दीजिएगा कि गिवन है। फिर इस पूरे ट्रायंगल में स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इस पूरे ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर, अभी आपने प्रूफ किया है एंगल A, क्या प्रूफ किया एंगल BAD, एंगल आपने प्रूफ किया है BAD कहिए चाहे BAP कहिए, बात एक ही हो जाएगा। BAP, BAP इक्वल टू एंगल सी ए पी के बराबर है, क्योंकि प्रूफ एवव यहां पे लिख दीजिए, यहां पे आपने प्रूफ किया है, प्रूफ एवव यहां पे आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने प्रूफ किया हुआ है ट्रायंगल के है, दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है, भी रीजन आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, इस वजह से ऐसा होगा। ओके एंड और तीसरी बात स्टूडेंट्स आपका यहां पे एपी इक्वल्स टू एपी दोनों ट्रायंगल में कॉमन, इस वाले ट्रायंगल में भी एपी है और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या है एपी है, इस वजह से आप कह सकते हैं एपी इक्वल्स टू एपी के। तो डियर स्टूडेंट्स जब एपी यानी कि क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं कि साइड एंगल, साइड एक साइड एक एंगल एक साइड आपको पता चल गया, तो आप कहेंगे सो इस वजह से ट्राइंगल आपका एबीपी, एबीपी इज कांग्रेस टू ट्राइंगल एसीपी के हो जाएगा। ओके, तो ये आपका दूसरा स्टेप भी यहां पे प्रूफ हो गया, चार प्रूफ करने, दो आपके प्रूफ हो गए। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पे आपका सेकेंड पार्ट, यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट की, कि थर्ड वाले पार्ट को आप कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड वाले पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें क्या दिखाना है कि ये यहाँ पे क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर ही हमें प्रूफ करना है। तो हम कहेंगे सिंस एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल कांग्रेंस है, यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपने प्रूफ किया हुआ है, तो प्रूफ एवं लिख दीजिएगा या यहाँ पे कांग्रेंस का रीजन दे दीजिएगा, ये है। देन तो अब जब ये है, इसलिए जो एपी है बाइसेक्ट एंगल है, यानी कि दो एंगल जब बराबर है, मतलब इतना एंगल स्टूडेंट्स आपका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब क्या एपी क्या कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे एपी बाइसेक्ट एंगल ए, एपी क्या कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे एंड यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि एंगल बी ए पी इक्वल टू सी ए पी, यहां पे प्रूफ करना था बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, तो बी ए डी और सी ए डी को बी ए पी सी ए पी भी कह सकते हैं, जैसे हमने यहां पे कहा एंगल बी ए पी। देखिए ध्यान दीजिए, चाहे हम इस वाले एंगल को बी ए डी कहें और चाहे बी ए पी कहें, है तो उसी एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से चाहे हम सी ए डी कहें चाहे सी ए पी कहें, किसी एंगल की तो बात हो रही है ना, तो यही हम कह रहे हैं एंगल बी ए पी एंड एंगल, हाँ एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी के। ओके, ये इक्वल है क्योंकि आपने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, ये आपका प्रूफ है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भी रीजन लिख देंगे, प्रूफ देव आप लिख दीजिएगा यहाँ पे और चाहे लिख दीजिएगा ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है, इस वजह से ऐसा यहाँ पे रीजन में आप चाहे भी बात दीजिएगा। ठीक, तो स्टूडेंट जब बी ए पी इक्वल टू सी ए पी है, वन सेकेंड हम इस एंगल की बात करें, सॉरी हम इस एंगल की यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इस एंगल की बात करने वाले हैं ए डी बी एंड एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू एंगल ये एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, यहाँ पे प्रूफ एव लिख दीजिएगा और चाहे इस ट्राइंगल को लिख दीजिएगा कांग्रेंस। ओके, तो ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे 180 में से दोनों को माइनस करेंगे। आप ध्यान दीजिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं ये ट्राइंगल, ये एंगल आपने इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हमें जब ये वाला एंगल निकालना है, तो
तो इस पूरे एंगल 180 में से, क्योंकि पूरा 180 स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर पे होता है, इसमें से अगर इस इतने एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल नहीं मिल जाएगा। इसी तरह से इस पूरे में से अगर इतने को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इतना ही एंगल नहीं मिल जाएगा। ओके आइए काम कर दो। तो यहाँ पे हम करेंगे 180 माइनस ए डी बी, 180 माइनस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए डी सी, यानी दोनों साइड हमने सेम काम किया, दोनों साइड हमने क्या किया सेम किया ए डी सी के। तो 180 माइनस हमने ए डी बी किया, इस पूरे में से जब इतने को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इतना मिल गया बी ए बी डी पी मिल गया, एंगल बी डी पी मिल गया। इसी तरह से जब 180 में से इस पूरे में से हमने इतना सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सी डी पी मिल गया, क्या मिल गया एंगल सी डी पी मिल गया। तो जब बी डी पी और सी डी पी बराबर हो गया, मतलब ये इतना एंगल इस इतने एंगल के बराबर हो गया, देन तो हम कहेंगे कि जो आपका डीपी है, डीपी क्या कर रहा है डीपी, देन डीपी बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट एंगल डी, यानी जो डीपी है क्या कर रहा है एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल डी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। सभी के समझ में आ गया, ओके चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ कैसे आपको यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पार्ट फोर्थ क्या करना है, एपी इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप बीसी बताना है, ठीक। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, इस वाले को हम मान लेते हैं यहाँ पे। अब हाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये दो ट्राइंगल हमने यहाँ पे क्या किया था कि अब हम इसको क्या करेंगे कांग्रुएंट फोर्थ कर लेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल्स टू इसके ये गिवन है, ये कॉमन है, और अभी आपने प्रूफ किया कि ये एंगल जो है, यानी इतना एंगल इसके क्या हो गया स्टूडेंट्स इक्वल हो गया। तो बाई साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए कांग्रेंस हो गए, कांग्रेंस हो गए कि नहीं हो गए। तो जब कांग्रेंस हो गए स्टूडेंट्स, तो बाई सीपीसीटी ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया, इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो ये एंगल भी यक्स हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो आप कहेंगे एंगल, एंगल बी पी या डी पी बी कह दें, डी पी बी एंगल डी पी बी इक्वल टू एंगल, आप कहेंगे डी पी सी, डी पी सी के, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रीजन कि ये कांग्रुएंट टू इसके है, इस वजह से ऐसा हो पाएगा, ठीक। तो जब ये हो गया तो इसको आपने कहा यक्स कह दिया, तो ये भी यक्स हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, अब कहेंगे यक्स प्लस यक्स, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर, क्या है ये पूरा एंगल क्या है लीनियर पेयर आपका 180, तो यहाँ पे आपने लीनियर पेयर दे दिया, 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया, तो 180 हो गया 180 डिग्री, तो x इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आपको क्या मिल गया, ये मिल गया 90 डिग्री, और आपको यही प्रूफ करना था। देयरफॉर वी विल से दैट एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हम कह सकते हैं कि अब एपी क्या है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और जब आपने कांग्रेंस इन दोनों को प्रूव किया था तो बाई सीपीसीटी ये इतना साइड जो है बीपी जो था ये सीपी के बराबर हो गया था, ये भी आ गया था, और अभी आपका 90 डिग्री भी आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि एपी क्या करेगा बीसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ओके आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी के, समझ में आ गया, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आ पाएगा। इसके आगे कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसको देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।